नमस्कार, आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेस टीवी और मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोग्रू मृगांक। हम आगे बढ़े उससे पहले यदि अभी तक भी आपने हमारे वीडियो यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेस टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कीजिए, और इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं। माँ महागौरी को समर्पित है नवरात्रि का 8वां दिन, जो कि इस बार पड़ेगा 25 मार्च 2018 दिन रविवार को। माता महागौरी की पूजा नवरात्रि के 8वें दिन की जाती है। सच्चे मन से भक्तों द्वारा की गई प्रार्थना माँ अवश्य स्वीकार करती हैं। महागौरी के नाम का अर्थ महा अर्थात महान अथवा बड़ा, और गौरी मतलब गोरी। देवी का रंग गोरा होने के कारण ही उन्हें महागौरी कहा गया। माता गौरी का स्वरूप देवी महागौरी की चार भुजाएं हैं और वे वृषभ की सवारी करती हैं। वे दाहिने एक हाथ में अभय मुद्रा में हैं, तो वहीं दूसरे दाहिने हाथ में उनके त्रिशूल है। बाएं एक हाथ में डमरू तथा दूसरे बाएं हाथ से वे वर मुद्रा में हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए गर्मी, सर्दी और बरसात की बिना परवाह किए कठोर तप किया, जिसके कारण उनका रंग काला हो गया था। उसके बाद शिवजी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और गंगा के पवित्र जल से माता को स्नान कराया, जिसके उपरांत देवी का रंग पुनः गोरा हो गया और तब से उन्हें महागौरी कहा जाने लगा। ज्योतिषीय संदर्भ की बात करें तो महागौरी राहु ग्रह को नियंत्रित करती हैं। देवी की पूजा से राहु के बुरे प्रभाव कम होते हैं, और जिन लोगों को राहु से संबंधित अच्छे प्रभाव चाहिए हों उन्हें भी माँ महागौरी की उपासना करनी चाहिए। माता की स्तुति का मंत्र है ओम देवी महागौर्यै नमो नमः। प्रार्थना मंत्र इस प्रकार है ओम श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोददा। अगर माता की स्तुति करना चाहें तो आप इस मंत्र से भी कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो लोग भी किसी भी क्लिष्ट कार्य को, अर्थात जो कार्य आपके लिए आसानी से संभव ना हो पा रहा हो, जिस जो बहुत समय से अटका हुआ हो, ऐसे काम को पूरा करने के लिए आप माँ महागौरी की उपासना कर सकते हैं। माँ महागौरी की कृपा आप पर सदैव बरसती रहे। आपको नवरात्रि के अष्टम दिन अर्थात माँ दुर्गा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएँ।